हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। इस मेगास्पोरोजेनेसिस टर्म को जब आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये टर्म खुद ही अपने आप को डिफाइन करने का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो इसके दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, पहला है मेगास्पोर और दूसरा है जेनेसिस, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इसके डेफिनेशन में डेफिनेटली आपको क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में MMC भी लिखा जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है कि इस प्रोसेस को हम कैसे, क्यों, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया ये टॉपिक, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जब आप एक टिपिकल फ्लावर के अंदर उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे बेसिकली उसके 3 पार्ट्स हैं, दैट आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड सोलन बेसल पोर्शन इज ओवरी, ठीक है। तो ये ओवरी को और जूम करके मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा है, उस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मेगास्पोर मदर सेल आया कहाँ से, ठीक है। तो इसको जब आप देखेंगे एनालाइज करके तो आपको क्या पता चलेगा, इस ओव्यूल के अंदर सबसे पहले एक मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड, क्या है ये, डिप्लॉयड है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली इसको हैप्लॉयड समझते हैं जबकि हैप्लॉयड नहीं है, क्या है, डिप्लॉयड है। क्योंकि इसके अंदर क्या होना है, मियोटिक डिवीजन होना है, दैट इज मियोसिस, ठीक है। अब कितने डिवीजन यहाँ पे लगेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने D1, D2, D3, D4, D5 लिख रखा है। D means डिवीजन है, यहाँ पे कोई स्पेशल टर्म नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, तो एक मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस 1 होगा तो यहाँ पे 2 मेगास्पोर्स फॉर्म हो गए, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद एक डिवाइड होके और 2 बनाएगा, यहाँ भी दूसरा डिवाइड होके और 2 बनाएगा, तो टोटल कितने बने, 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, ठीक है। यानी मियोसिस 1 हुआ तो डायड फॉर्म हो गया, ठीक है, और मियोसिस 2 हुआ तो यहाँ पे टेट्राड फॉर्म हो गया, दैट आर 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, ठीक है। हैप्लॉयड में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो पहले जो जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी 2n से, डिप्लॉयड से, वो किसमें जाके ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पे हैप्लॉयड में, ठीक है। अब इस 4 में से, इस 4 में से 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, 3 क्या होंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो इस एक फंक्शनल मेगास्पोर से हम एक एम्ब्रियो सैक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मीन्स 1 होता है, तो क्या हो गया, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब इसको एक फंक्शनल मेगास्पोर को मैंने यहां बना रखा है, ठीक है, दिख रहा है आपको साफ साफ। देन अब यहाँ पे माइटोसिस 1 होगा, आपको D3 देख के कंफ्यूज नहीं होना है, D3 का मतलब हो गया पहला डिवीजन यहां हुआ था, दूसरा यहां हुआ था, तीसरा यहां हुआ है, बट ये कौन सा है, माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस हुआ है। यहाँ पे पहला माइटोसिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल्स हो जाएंगे डिवाइड करके, ठीक है। जब दूसरा होगा तो 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और जब थर्ड माइटोसिस होगा तो टोटल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए आपके 8 सेल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें से 4 ऊपर नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको, इसमें से एक मिड में शिफ्ट होगा और नीचे से भी एक क्या होगा, मिड में शिफ्ट होगा, ठीक है। दैट इज 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, समझ आया आपको, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। देन अपर साइड में 3 बच गए, 4 में से एक तो माइनस हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा यहां पे, 3 एंटीपोडल्स,
या तो एंटीपोडल्स बोलना है या एंटीपोडल सेल्स, एक ही बात है। देन यहां पे ये क्या हो गया आपका वन एग, ठीक है, और ये साइड साइड में इसके साथ क्या है टू सिनर्जिड्स, एस वाई एन ई आर जी आई डी एस, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, ठीक है, बहुत क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है, उसको आप ध्यान से देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फाइनली अब जाके हमने क्या किया, यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होते हुए देखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेरे ख्याल से आपने मेगा स्पोरोजेनेसिस के जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें ये शॉर्टेस्ट और सबसे सिंप्लीफाइड वीडियो होगा आपके लिए, आई होप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।